हाँ बोलो। हैं
नहीं समझ में आया? हाँ, कोई होगा कि नहीं होगा? अपने आप बन जाते हैं? होगा। अरे डुप्लीकेट बनाएगा? जो इस दुनिया में डुप्लीकेट होगा वो क्या बनाएगा? इस डुप्लीकेट दुनिया में अगर कोई डुप्लीकेट है तो दूसरों को क्या बनाएगा? डुप्लीकेट ही बनाएगा। असली क्या बनाएगा? असली असली बनाएगा। तो असली तो संगम युग में ही आता है और सदैव तो नहीं बैठता है अंदर। वो जो ओरिजिनल भगवान आता है सच्ची पर मुकर्रर रथ में, वो सदैव उस पर सवार होता है या और बच्चों में भी आता है? एक में ही आता है, एक में ही आता है। तो फिर दादा लेखराज में कौन आया था? अरे दादा लेखराज में वो सुप्रीम सोल आया या नहीं आया? आया। और सुप्रीम सोल दादा लेखराज में आया तो वो ओरिजिनल भगवान आया या डुप्लीकेट आया? है ओरिजिनल भगवान। तो दादा लेखराज को तो ओरिजिनल भगवान ही होना चाहिए, है? आया तो हाँ, नहीं आया तो, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। किसके द्वारा? दादा लेखराज के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, मर्ज हो करके रहा। सिर्फ वाणी आई और वो वाणी भी भगवान की वाणी है, इस रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुई। क्या भगवान आता है तो क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। तो जो भगवान भगवती बने डुप्लीकेट, वो भी प्रत्यक्ष नहीं हुए। दुनिया में कोई ब्रह्मा को भगवान मानता है? अगर मानता होता तो मूर्तियां होती, मंदिर होते, पूजा की जाती। लेकिन ब्रह्मा की तो न मूर्तियां बनाई जाती हैं, न पूजा की जाती है, न मंदिर बनते हैं। इससे साबित होता है ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है। लेकिन इतना है, शास्त्र में ये बात तो मानते हैं, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से जो निकलता है वो ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। माने उनके मुख से जो भी मुरलियां निकली, मुरलियों का ज्ञान निकला, वो झूठा साबित नहीं हो सकता। भले दुनिया कैसी है अभी, दादा लेखराज ने क्या पागलपन बोला है, लेकिन उन्हें उनका अर्थ ही नहीं मालूम है, उसकी गहराई का उनको पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जिस समय भगवान संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तब नहीं कहेंगे कि दादा लेखराज के मुख से जो निकला वो पागलों की बातें थी। तो ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा बनने वाले तो ढेर हो गए। कितने हो गए? चार पांच ब्रह्मा हो गए। पांच मुख भी दिखाए जाते हैं ब्रह्मा को, पंचानन चतुरानन, वो ब्रह्मा तो हुए, लेकिन भगवान भगवान नहीं कहा जाता है। और प्रश्न किसका था? माता जी का। हाँ, तो डुप्लीकेट भगवान ब्रह्मा को डुप्लीकेट भगवान कहेंगे? नहीं, ब्रह्मा भी डुप्लीकेट भगवान नहीं, सरस्वती भी डुप्लीकेट भगवान नहीं, विष्णु भी डुप्लीकेट भगवान नहीं, और जगदम्बा भी डुप्लीकेट भगवान नहीं। भगवान है, डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट को
ओरिजिनल के साथ रख करके कोई टैली कर सकता है कि नहीं कर सकता है? है? कर सकता है। तो जो टैली हो जाएगा तो फिर नंबर दो का साबित हो जाएगा। तो पहला है शिव और दो नंबर का है शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है। शंकर शिव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर। उसका नाम पहले क्यों? अव्वल नंबर वही है। अच्छा, जो दो नंबर होगा वो क्या बनाएगा? अव्वल नंबर बताएगा, बनाएगा दो नंबर वाला ही बनाएगा। नहीं, माता जी को बता दी माता जी, जो दो नंबर का भगवान होगा, डुप्लीकेट भगवान होगा, वो क्या बनाएगा? डुप्लीकेट ही बनाएगा। तो क्या द्वापर कलयुग में बनाएगा या संगम युग में ही बनाएगा? असंगम युग में बनाता है। कितने बना देता है? हाँ, कितने भगवान बना देता है? हैं? दो चार आठ, सौ दो सौ, हजार दो हजार, हैं? बस एक डुप्लीकेट, एक ही डुप्लीकेट बनाएगा। अरे यहाँ तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, कंकड़ भित्तर पत्थर बुद्धि भी जो है, क्या ठिक्कर बुद्धि भी है, पत्थर बुद्धि भी है, वो भी भगवान बन के बैठ जाते हैं। कहते हैं हमारी आरती पहले उतारो, फिर मंदिर में जाकर के जड़ मूर्ति की आरती उतारो। तो असली भगवान कौन हुए? वो अपने को असली भगवान साबित करते हैं जो कहते हैं पहले हमारी आरती उतारो, हम चैतन्य भगवान है, और मंदिर में जो रखी है वो मूर्ति तो जड़ है, तो वो तो असली भगवान नहीं है। तो ढेर के ढेर भगवान पैदा हो जाते हैं एक डुप्लीकेट से। अरे कोई ओरिजिनल हीरा होता है, होता है कि नहीं? ओरिजिनल हीरा के बाद इमिटेशन बनाने शुरू किए, कोई ने तो शुरू किए होंगे, हैं? अरे डुप्लीकेट हीरे बनाना भी कोई ने शुरू किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। तो जिसने शुरू किया होगा उसने पहला हीरा बनाया होगा कि नहीं? डुप्लीकेट, हैं? पहला हीरा डुप्लीकेट जब बन गया तो फिर धड़ाधड़ तैयारी होती चली जाती, फिर तो समारी नहीं। ऐसे ही है। ओम शांति। माता जी का प्रश्न पता नहीं समाधान हुआ कि नहीं? मानने की तैयार नहीं। क्यों? जो उसका कारण बताओ। शिव के साथ जोड़ा हुआ, लेकिन दो नंबर पे जोड़ा हुआ। देव देव महादेव तो है, देवताओं में बड़ा देवता तो है, लेकिन देवताएं बुद्धू होते हैं कि बुद्धिमान होते हैं? क्या होते हैं? बुद्धू होते हैं। तो बड़ा देवता मानो गधों का हुजूम कहीं देखो, उन गधों के हुजूम में कोई बड़ा गधा पकड़ लो तो वो बड़ा गधा भी गधा ही होगा कि होशियार होगा? गधा ही होगा। तो दुनिया में ढेर के ढेर भगवान, उन ढेर के ढेर भगवानों में से जो पहला डुप्लीकेट भगवान बना, कोई तो बना होगा, कोई डुप्लीकेट हीरा दुनिया में पहले बना होगा कि नहीं बना होगा?
बना होगा, वो उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया, भक्ति मार्ग में जोड़ दिया है भक्तों ने। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं क्या कि शिव अलग है और शंकर अलग है। जो अज्ञानी हैं, भगत हैं, वो शिव शंकर को एक ही मानते हैं, एक जगह जोड़ देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो जानती हैं एक आत्मा है शिव, जो सदा शिव है, और दूसरी आत्मा है वो अशिव भी बन जाती है। शिव माने कल्याणकारी और अशिव माने अकल्याणकारी। इसलिए टाइटल जब देते हैं शिव शंकर को तो क्या कहते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं हमेशा, या ये कहते हैं शिव शंकर भोले भाले, ये भी कहते हैं शिव शंकर भोले भाले। शिव का नाम पहले तो टाइटल में भोले पहले, और शंकर का नाम बाद में तो टाइटल में भाले। भाला तो बहुत खराब होता है, भाला अगर घुस जाए शरीर में तो पूरा ही खत्म कर देगा। छोटा मोटा कांटा घुस जाए तो दर्द तो करेगा लेकिन आदमी जिंदा तो रहेगा, जिंदा है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। लेकिन भाला ही पूरा घुस दिया तो जिंदा रहेगा है, फिर तो मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए तो भाला कहा गया है, भोला नहीं है। नारायण के पहले नारायण है 16 कला संपूर्ण, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। विष्णु बनने से पहले ब्रह्मा 0% गुणों वाला है या 100% गुणों वाला है, हैं? क्या कहेंगे? ब्रह्मा माने विकारी और विष्णु माने निर्विकारी। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है, और ब्रह्मा जब मृत्युलोक में खलास होता है तो ब्रह्मा तो क्या बन जाता, विष्णु बन जाता है उसी एक सेकंड में। जिस सेकंड में ब्रह्मा खलास होता है मृत्युलोक में, उसी सेकंड में वो आत्मा क्या बन जाती, ब्रह्मा तो विष्णु बन जाती। तो उसी सेकंड के आदि में वो 0% था दिव्य गुणों की धारणा में, या 100% था विष्णु बनने से पहले, ठीक पहले 0% था। अरे था कि नहीं था, इसलिए उसको निर्गुण कहा जाता है जीरो को। कैसा? निर्गुण। निर्गुण बालकों की संस्था है ये। रुद्रमाला के मणके क्या हैं? क्या हैं? निर्गुण बालक हैं। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अगर गुण होते तो जीवन में खुशी खुशी होनी चाहिए, संगम युग मौजों का युग होना चाहिए कि दुख के संकल्प ही आनी चाहिए। लेकिन है सदैव मौज रहती है, खुशी रहती है, क्यों नहीं रहती है? मन क्या विष्णु पालना में खुशी खुशी, विष्णु पालना में खुशी खुशी। लेकिन विष्णु से एक सेकंड पहले जब वो ब्रह्मा था तो विष्णु तो नहीं था। नो विष माने
उसमें अंश मात्र भी विष नहीं था। विष्णु बनने पर और ब्रह्मा बनने पर दाढ़ी मूछ, तो विषय विकारी हुआ या निर्विष हुआ? विषय विकारी हुआ। तो 100% विषय विकारी से 100% क्या बना देता है? निर्विकारी बना देता। आपके प्रश्न का जवाब हुआ। अब ये बात दूसरी है, कौन से नंबर का ब्रह्मा है? ब्रह्मा भी तो नंबर वार है कि सब एक जैसे ब्रह्मा है? नंबर वार। जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है तो क्या होगा? अव्वल नंबर का ब्रह्मा अव्वल नंबर का विष्णु होगा। अव्वल नंबर में विष्णु की उसकी पूजा होगी। और ब्रह्मा को ब्रह्मा को विष्णु की दाढ़ी मूछ दिखाई गई। हाँ, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई गई। हाँ, क्या कहे? ब्रह्मा को कमल फूल में बैठे बताते। कमल फूल समान जीवन है ना, कमल फूल में क्यों दिखाया गया? उनका जीवन कैसा है? है कमल फूल समान जीवन है। जैसे कमल फूल को कीचड़ में डाल दो तो कीचड़ से डिटैच ही रहेगा या कीचड़ से अटैचमेंट हो जाएगा? डिटैच रहेगा। तो है 100% विकारी फर्स्ट ब्रह्मा। जो फर्स्ट ब्रह्मा है वो है 100% विकारी। अंतिम सेकंड में मृत्युलोक में 100% विकारी से फिर क्या बन जाता है? 100% एक सेकंड में निर्विकारी बन जाता है। आपका प्रश्न का जवाब हुआ कि नहीं? बस आपके बाद आपका सेवा करेगा तो आज आप और बात करेंगे जो संपन्न आत्म की स्थिति वाले होंगे, संपन्न, तो उनसे बात क्यों नहीं करेंगे? दुनिया में देह अभिमानी ज्यादा है कि आत्मा अभिमानी ज्यादा है? देह अभिमानी से आप ही बात कर रहे हैं। पूछो, आप बताइए, इनका जवाब आप दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं, आप जवाब दे दीजिए फिर इन्हें समझा देना। हाँ, अरे पूछ लो, पूछो पूछो पूछो। दुनिया में जो देह अभिमानी ज्यादा हैं, उन ढेर के ढेर देह अभिमानियों से भगवान बात करते हैं क्या? प्रैक्टिकल में पूछो। हाँ, नहीं बात करते, करेंगे नहीं, नहीं कर नहीं करते, आदमी भी नहीं करते, नहीं करते। लेकिन माता जी से पूछो, आप नंबर वार आत्माभिमानी है या नहीं? नंबर वार आत्माभिमानी है, लेकिन नंबर वार जो आत्माभिमानी है उनमें भी एक है दूसरी भाषा भाषी वाले और एक है भगवान की भाषा वाले। तो भगवान किससे पहले बात करेंगे और किससे नहीं करेंगे? कुछ बाबा
అయితే ఇక్కడ భాష తండ్రి భాష తెలుసుకున్న వారు కొంతమంది, వేరే భాష వారు కొంతమంది ఉన్నారు. సరే తండ్రి ఎవరితో మాట్లాడతారు ముఖ్యంగా? जो बाप की भाषा जानते होंगे उनसे पहले बात करेंगे और फिर उनके थ्रू जो जो नहीं जानते उनसे बात करेंगे. వేరే మాట తెలిసిన వాళ్ళు తండ్రి మాట తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఈ తండ్రి మాట తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మీకు ఆ విషయం తెలియజేస్తారు. తండ్రి పాట నేను మీకు ఇప్పించాను తెలుగులోకి, ఆ విధంగా వాళ్ళ ద్వారా తండ్రి పాట తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా మీకు తెలిపించడం आपसे बात आपसे बात करते थे, इनकी क्या जरूरत है? अगर हम आत्माभिमानी स्टेज में जाएंगे ये जे, हाँ तो जो आत्माभिमानी स्टेज में जाएंगे उनसे जो सदैव आत्मा रहने वाला बाप है वो उनसे डायरेक्ट बात करेगा, फिर उनको क्लेरिफिकेशन देने वाले की जरूरत नहीं होगी. ट्रांसलेशन करने वाले की जरूरत है, ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं. क्या जो संपूर्ण आत्माभिमानी ऐसे बच्चे होंगे जो भगवान की भाषा नहीं जानते हैं, हिंदी भाषा नहीं भी जानते हैं, लेकिन संपूर्ण या तीखे आत्माभिमानी होंगे, परसेंटेज में ऊंची स्टेज वाले आत्माभिमानी होंगे, तो उनकी ये विशेषता होगी कि एक तरफ भगवान उन्हें समझाएगा और दूसरी तरफ वो कैच कर लेंगे. पूरा पूरा आपके स्थिति में बैठने के बाद पापा से माता पूछिए, हाँ विनाश के समय बच्चों को कैसे रक्षा करेंगे? हाँ विनाश के समय बच्चों को कैसे रक्षा करेंगे ऐसे पूछ रहे माता जी ने. क्योंकि विनाश के समय जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश हुआ हो हुआ होता है वो मुकर्रर रथ प्रकृति जीत होगा या नहीं होगा? प्रकृति माता के ऊपर जीत पाने वाला होगा या नहीं होगा? प्रकृति माता के ऊपर जीत पाने वाला होगा तो उस प्रकृति माता की गोद में बच्चों को बैठा लेगा या उसकी छत्रछाया से बाहर कर देगा? तो जो बच्चे प्रकृति जीत बाप के बच्चे होंगे आत्माभिमानी, वो प्रकृति जीत बाप प्रकृति को ऑर्डर करेगा. क्या ऑर्डर करेगा? इन बच्चों को अपनी छत्र छाया में ले करके रहो. तो प्रकृति जीत है तो प्रकृति माता प्रकृति पति की बात मानेगी या नहीं मानेगी? मानेगी. तो बच्चों की सुरक्षा करेगी या नहीं करेगी? तो बात बताओ ना. माता जी वाक्य तो पूरा नहीं होगा, विभीषण के रूप में जैसे विभीषण को बचाया ऐसे ही बच्चों को बचाऊंगा ऐसे बोल दिया माता जी को. तो कोई बात बोलते तो विभीषण को भगवान ने अपनी गोद में शरण में लिया नहीं था? गोद लिया था कि नहीं? गोद लिया ना.
तो भगवान का बच्चा हो गया ना, तो जो भगवान का बच्चा हो गया वो अम्मा की गोद में नहीं देगा? विभीषण को अम्मा की गोद में दिया या नहीं दिया? सुरक्षा के लिए दिया, तो उसकी रक्षा हुई कि नहीं? हाँ जी, और बाबा एक माता जी पूछ रही है, परमधाम खाली हो जाएगा क्या? है परमधाम हाँ खाली हो जाएगा क्या? नहीं, बाबा ने मिसाल दिया, जैसे पहले मोटर नहीं थी, क्या पानी चढ़ाने वाली मोटर नहीं थी, पहले बाल्टियां थी, ऐसे घूमती थी कुएं के अंदर, बाल्टियां जाती थी, एक बाल्टी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चैन होती थी, उस चैन में बाल्टियां लगी हुई होती, खाली बाल्टियां नीचे गई और भर करके ऊपर आ रही है, तो जब ऊपर आ रही है तो खाली भी होती जा रही है क्या, और खाली बाल्टी फिर नीचे जा रही है, तो कभी ऐसा होता है कि सारी बाल्टियां ऊपर खाली रह जाएं? सारी बाल्टियां ऊपर खाली रह जाएं, ऊपर से नीचे आ जाएं? ऐसे कभी नहीं होता। आखिरी बाल्टी जब ऊपर पहुंचेगी, नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या, तो आखिरी बाल्टी भी जब ऊपर पहुंचेगी तो वहां जाके खाली होगी, और पहली बाल्टी भी जब ऊपर जाएगी तो खाली होगी। तो पहली बाल्टी जब तक न पहुंचे तब तक आखिरी बाल्टी नीचे की तरफ मुंह भी नहीं करेगी, पहली बाल्टी पहुंचेगी तब आखिरी बाल्टी नीचे आएगी। ऐसे ही 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भर भर करके ऊपर जा रही हैं। जो पहली बाल्टी है, जो झाड़ के चित्र में शंकर को दिखाया, क्या वो जब तक ऊपर न पहुंचे तब तक परमधाम खाली नहीं हो सकता। उसी सेकंड वो पहुंचती है, और 500 करोड़ भी कहो, 750 करोड़ भी आत्मा कहो, वो नीचे आती है, खाली नहीं होता कभी। क्या जैसे परमधाम कभी खाली नहीं होता, ऐसे इस दुनिया में भी सुख की आखिरी बूंद लेने वाली आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। कुछ न कुछ, थोड़ा में न थोड़ा, आखिरी आत्मा भी जो उतरेगी वो एक सेकंड अपने पहले सेकंड में सुख अनुभव करेगी। ये दुख की दुनिया में भी, जहां अपरम अपार दुख है, उस अपरम अपार दुखों की दुनिया में भी कोई न कोई आत्मा ऐसी बची रहेगी जो अपरम अपार सुख महसूस करेगी। क्या लास्ट सेकंड में भी ऐसे होगा? ये है सुख दुख की दुनिया, यहाँ सुख भी मौजूद रहता है और यहाँ दुख भी मौजूद रहता है, लेकिन एक सेकंड सिर्फ ऐसा आता है जहाँ 100% सुख की दुनिया होगी, लेकिन 1% भी दुख नहीं होगा। मोटा तो लेना पड़ो, वर्षे का वर्षे के लिए मुझे जरूर वर्षे के लिए क्या बोलना था? हमारे नहीं बोला नहीं था, चला पहले बोले थे कि पहले अपने नहीं कर पाते हैं, पहले बोले थे पहले उतर के, अरे क्या वर्षे के लिए लेकर उसको जब वहाँ में आया था, हाँ मदर के पहले बोले ये वर्षे को इतना काली होता है, काली होता है, काली होता है, काली होता है, नहीं होता है, अरे मदर के क्या पहले बोलते हैं శంకర్ జీవించారు, ఎప్పటి వరకు శంకరుని ఆత్మ పరమాత్మను చేరుతారో అప్పుడు చేరుకుంటే ఎప్పుడు చేరుకుంటుందో ఇంకా కొంచెం
ఈ భూమి కూడా ఎప్పుడు ఖాళీ అవ్వదు, ఈ భూమి సుఖం కూడా ఖాళీ అవ్వదు. అయితే చివరిగా వచ్చే జనాత్మ కూడా ఒక్క సెకండ్ అయినా సరే ఆ సుఖం యొక్క అనుభవం చేస్తుంది. ఖాళీ అయ్యే మాట లేదు. क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है. हाँ क्रा कृष्ण क्राइस्ट क्रा उसमें भी क्रा उसमें भी क्रा. दुनिया में 12 तरह के लोग हैं. ज्योतिषी लोग जो होते हैं वो सारी दुनिया के लोगों को 12 हिस्सों में बांट देते हैं. दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो उन 12 ग्रुप के बाहर हो. अगर उन 12 ग्रुप में से कोई ग्रुप में नहीं होगी तो वो एक सुप्रीम सोल है. वो 12 कैटेगरी से बाहर है. बाकी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा चाहे लास्ट से लास्ट में आने वाली हो, दुनिया का टोटल विनाश होने वाला है उस समय ही सेकंड में आने वाली हो, और जैसे कीड़े मकोड़े तुरंत जन्म लेते हैं तुरंत खत्म होते हैं, कीटाणु होते हैं तुरंत जन्म होता है तुरंत खत्म हो जाते हैं, ऐसी ही आत्मा क्यों न हो, लेकिन वो भी 12 कैटेगरी में से कोई न कोई एक ग्रुप में होंगी. इसलिए 12 राशियां कही जाती हैं. यहां तो सारे हिंदू बैठे हैं, सब जानते हैं, और सबकी कोई न कोई अपनी राशि है. सबको अपनी अपनी राशि का पता भी होगा. कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको अपनी राशि का पता न हो. कोई यहाँ ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको अपनी राशि का पता न हो मैं कौन राशि की आत्मा हूँ, वो व्यक्ति हूँ. हाँ कोई नहीं है. हाँ आपको अपनी राशि का पता नहीं है. हाँ अरे एक आत्मा कहाँ से निराश निकल आई है. निराश इसको इसको कोई आस नहीं है. अरे कोई तो ग्रुप में कोई संगठन में तो रहना चाहिए. दुनिया में कोई ऐसा हो जो सब संगठनों से बाहर हो जाए, अकेला पड़ जाए है. उसका कोई ग्रुप नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कैटेगरी नहीं, कोई संगी साथी नहीं, तो आशावान होगा या निराश होगा. तो निराश होगा या हो जाएगा. तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी भी कोई राशि है, नहीं तो आप हंसते हुए नहीं दिखाई पड़ते. कोई ज्योतिषी से कोई पंडित जी से पूछना हमारी राशि क्या है क्या, तो वो बताएंगे. वो बताएंगे आपकी भी राशि है. जिसको कोई आस नहीं होगी वो तो निराश हो जाएगा इस दुनिया के अंदर. क्या निराश
है हाँ, अरे जो राशि का ही पता नहीं, नक्षत्र का कहाँ से पता होगा? अब टाइम बताना पड़े, टाइम नहीं बताना पड़े, जो जिंदगी में नाम चलता है ना रोज बर्रे का, जिस नाम से व्यक्ति को बुलाया जाता है, उस नाम के आधार पर भी राशि निकाल देते हैं। अच्छा खैर, मतलब ये प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये है कि कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, इसका अर्थ क्या है? क्या जो कृष्ण है, हम जानते हैं कि कृष्ण आत्मा है नई दुनिया का पहला पत्ता। क्या नई दुनिया का पहला पत्ता है कृष्ण, और क्राइस्ट द्वापर में आता है, नई दुनिया का पहला पत्ता नहीं है। क्या वो नई दुनिया भी कुछ न कुछ पुरानी हो जाए? क्या जब नई दुनिया भी 500 साल गुजर जाते हैं तो पुरानी हो जाएगी कि नहीं? पुरानी हो जाएगी, कोई नहीं कहेगा कि ये बिल्कुल नई दुनिया है, वो वो नया भक्ति मार्ग है, या पुरानी दुनिया में भी कुछ न कुछ नयापन है, पुरानी दुनिया में भी कुछ न कुछ अवगुण प्रवेश कर जाते हैं। तब पैदाइश होती है कृष्ण की, वो क्राइस्ट की। किसकी पैदाइश होती है? क्राइस्ट की। माने क्राइस्ट की पैदाइश कब होती है? एकदम पुरानी दुनिया में होती है, 100% पुरानी, वो जिसको हम कहें पुरानी दुनिया का एकदम सात्विक स्टेज, पुरानी दुनिया की सात्विक स्टेज में क्राइस्ट आता है, या पुरानी दुनिया का कुछ न कुछ बहुत कुछ हिस्सा सात्विक खत्म हो जाता है। हाँ, माने लगभग आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। क्या कहा? पुरानी दुनिया का भी आधा हिस्सा लगभग खत्म हो गया, हुआ कि नहीं है? हुआ। पुरानी दुनिया का भी लगभग आधा हिस्सा खत्म हो गया, सतो प्रधान और सतो सामान्यता दोनों ही खत्म हो गई, तब क्राइस्ट आता है। आता है कि नहीं? ना सतो, ना पुरानी दुनिया के सात्विक स्टेज में आता है, ना सतो सामान्य स्टेज में आता है। सतो सामान्यता की भी जब अंत होने वाली होती है तब आता है। कौन? क्राइस्ट। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा भी दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा युग कौन सा है? संगम युग। वो संगम युग में जो कृष्ण की आत्मा है वो कब संपन्न स्टेज में दुनिया के अस्तित्व में आती है? संगम युग में ही बताओ। कहाँ? द्वापर युग की शूटिंग में तो जेल में थी। जब द्वापर युग की शूटिंग हो रही थी 1998 में, तो एक दिन आया स्वतंत्रता का दिन, 15 अगस्त है स्वतंत्रता का दिन, स्वतंत्रता दिवस, और वही दिन था जन्माष्टमी का दिवस 98। उस समय शूटिंग पीरियड में कष्ट वाली आत्मा का पता चला कि उसने जेल में जन्म लिया, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। काहे के द्वारा? अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा,
रेडियो के द्वारा मनुष्यों के मुख से चारों तरफ आवाज निकलने लगी, जेल में है, जेल में है, जेल में है, जेल में है। हाहाकार हुआ कि जय जयकार हुआ? हाहाकार हुआ। बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने वाला और पैदा करने वाली दोनों क्या होता है? अरे अम्मा भी हाहाकार करती है और बाप भी हाहाकार करता है। तो हाहाकार की स्टेज में जन्म हुआ, लेकिन जिस कृष्ण का जन्म हुआ वो पहला जन्म है या ब्राह्मण का द्विजन्म है? द्विजन्म है। उस ब्राह्मण को संपूर्ण ब्राह्मण कहें या अपूर्ण ब्राह्मण कहें? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो ज्ञानी है, यज्ञोपवीत धारण करने वाला है। यज्ञोपवीत हुआ तो ब्राह्मण है, अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो शूद्र है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण बच्चे का यज्ञोपवीत होना जरूरी है। तो शूटिंग पीरियड में वो कृष्ण बच्चे का भी यज्ञोपवीत होना जरूरी है। यज्ञोपवीत का मतलब है जो ज्ञान यज्ञ है उस ज्ञान यज्ञ में उप माने ऊंची से ऊंची स्टेज, और वो ऊंची से ऊंची स्टेज को भी वीत, वो ऊंची से ऊंची स्टेज भी उसके लिए बीत जाए माने मृत्युलोक उसका पूरा ही खत्म हो जाए। अभी भी कृष्ण वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर के बंधन में है या नहीं है? है? तो वो ऊंचे से ऊंची स्टेज बीत गई या अभी भी ऊंची स्टेज में पहुंचना बाकी है? है? अभी भी ऊंची से ऊंची स्टेज में पहुंचना बाकी है माने जो द्विजन्मा ब्राह्मण होना चाहिए संपूर्ण, वो कृष्ण वाली आत्मा अभी भी द्विजन्मा ब्राह्मण साबित नहीं हो रही है। कब होगी वो द्विजन्मा ब्राह्मण कृष्ण वाली आत्मा कब साबित होगी? अरे वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म दूसरा जन्म कब लेगी? एटी नाइन में वो तो पहला जन्म हुआ या द्विजन्म हुआ? दूसरा जन्म हुआ। वो तो पहला जन्म हुआ, जो पहला जन्म है वो तो शूद्र का जन्म है, कचरे से जन्म लिया। पहला जन्म है वो पक्का जन्म नहीं है, वो ब्राह्मण पक्का नहीं है, वो शूद्र है, बुद्धि में ज्ञान पूरा नहीं बैठा है। क्या कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज की आत्मा में बुद्धि में ये ज्ञान बैठा है कि गीता का भगवान कौन बैठा? तो ब्राह्मण है कि शूद्र? शूद्र है। तो कब बैठेगा? अरे बैठेगा कि कभी बैठेगा ही नहीं, नहीं बैठेगा। कब बैठेगा? है वो अंत कब आएगा? हाँ, जब वो कृष्ण की सोल अपना साकार शरीर जो छोड़ा है 1968-69 में छोड़ा ना, तो 5000 वर्ष का ड्रामा उसका पूरा हो गया या पहले ही छोड़ दिया? पहले ही से नहीं छोड़ दिया। कितने वर्ष पहले छोड़ दिया? 50 वर्ष पहले छोड़ दिया। उसका अपना कहा जाने वाला शरीर कोई है ही नहीं अभी। वो तो अभी प्रवेश कर रहा है, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी ब्राह्मण बच्चे में। क्या वो आत्मा अभी भी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है?
चाहे शंकर में प्रवेश करे चाहे दूसरे 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 बच्चों में प्रवेश करे, उसका अपना मुकर्रर रथ अभी कोई भी नहीं है, तो वो मुकर्रर रथ भी उसका बन जाएगा कब 2018 में। और वो उस समय आत्मा उसी तरह त्रिकालदर्शी होगी जैसे कि बाप, बाप की बुद्धि में जैसे बैठा हुआ है, राम बाप की बुद्धि में बैठा हुआ है, या राम बाप समान और जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान केवल शंकर भोलेनाथ है, ये बात उसकी बुद्धि में भी कूट कूट के भर जाएगी और दूसरों को भी वो इसी बात पर पक्का कराएगा। तो कहेंगे तीन जो धागे हैं यज्ञोपवीत के, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन। अभी तो वो अपने को ही ब्रह्मा समझती है, जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है उसके फॉलोअर्स वो किसको ब्रह्मा समझते हैं है? दादा लेखराज को ही ब्रह्मा समझते हैं और किसी को ब्रह्मा मानते ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा की बुद्धि में भी बैठेगा कि मैं अव्वल नंबर का ब्रह्मा नहीं हूं, ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला, शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वो शंकर अर्थात राम वाली आत्मा ही मनुष्य सृष्टि का पिता है और उसके द्वारा ही परमपिता परमात्मा शिव गीता का साकार भगवान का पाठ बजाते हैं। तो ब्रह्मा की मूर्ति का भी उसको परिचय होगा कि ब्रह्मा कौन, क्या विष्णु कौन और शंकर कौन, इस दुनिया में वो तीन मूर्तियां कौन सी हैं, जिन तीन मूर्ति रूपी शरीर रूपी जो तीन कपड़े हैं, मूर्ति कहो चैतन्य मूर्ति कहो, तीन शरीर रूपी वस्त्र कहो, जिनकी यादगार आज झंडे में दिखाई जा रही है, भारत में खास झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तीन रंगों का कपड़ा वो तीन मूर्तियों को सूचित करता है, वो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला झंडा है त्रिमूर्ति शिव का। वो तीन मूर्तियां वो तीन कपड़े कौन हैं, क्या नाम है उनका, नाम रूप धाम कर्तव्य उनका कुछ होगा या नहीं होगा कि कपड़े का झंडा विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अरे कपड़े का झंडा क्या विश्व विजय करता है, नहीं, कोई मूर्तियां हुई हैं, चैतन्य मूर्तियां हुई हैं इस दुनिया में 5000 साल पहले भी हुई हैं और अभी भी प्रत्यक्ष होने वाली हैं, जिनके आधार पर ये भगत लोग झंडा रोहण करते हैं और झंडा गान गाते हैं, इच्छा करते हैं कि हमारा भारत सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करे। तो उस आत्मा की भी बुद्धि में बैठेगा, वो भी इसे यज्ञोपवीत को धारण करेगा, क्या यज्ञोपवीत कंधे पर धारण किया जाता है ना, धारण करेगा, बुद्धि में ये बात धारणा हो जाएगी कि ब्रह्मा वास्तव में कौन और कौन कौन किस किस नंबर का ब्रह्मा है, कौन कौन आत्माएं विष्णु का रूप धारण करेंगी नंबरवार, कौन कौन शंकर है, शंकर की अव्वल मूर्ति कौन, विष्णु की अव्वल मूर्ति कौन, ब्रह्मा की अव्वल मूर्ति कौन, प्रैक्टिकल में कौन। कृष्ण की बुद्धि में भी ये बैठ जाइए, यज्ञ को भी धारण कर ले, तब कहेंगे पक्का ब्राह्मण हुआ, द्विजन्मा दूसरा जन्म हुआ, द्विज हुआ, द्विज द्विज माने ब्राह्मण। तो कब होगा, जब वो 50 वर्ष पूरे हो जाए 2018, उससे पहले नहीं हो सकता,
50 वर्ष ये पूरे होंगे और दादा लेखराज वाली आत्मा अपने 5000 वर्ष का चक्कर पूरा करेगी और संपन्न आत्मा बन जाएगी। संपूर्ण ब्राह्मण तो देवता बन जाएगी और जो संपूर्ण देवता बन जाएगी वो संगम युग पूरा होने से पहले ही बन जाएगी या बाद में बनेगी? पहले ही बन गई। उस समय कहेंगे कि इस दुनिया में से कोई कोई आत्माओं का ऐसी दुनिया तैयार हुई जो नई दुनिया की शुरुआत हो गई। क्या भगवान तो आया 1976 में, संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन 1976 में भगवान संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ उसका टाइटल नारायण भी तो है जो प्रत्यक्ष हुआ। नारायण है और नारायण से पहले कृष्ण भी तो है, वो संगम युगी कृष्ण है जिसमें कृष्ण की सोल भी प्रवेश है, लेकिन वो कृष्ण वाली आत्मा एकदम नई दुनिया में नहीं आई है। एकदम नई दुनिया जो है एक लंबे अर्थ की बात बनती है। जैसे क्राइस्ट आता है एकदम पुरानी दुनिया नहीं बनती है, जब क्राइस्ट आता है तो उसके बहुत वर्षों के बाद फिर एकदम पुरानी दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया की शुरुआत में क्राइस्ट नहीं आता और एकदम नई दुनिया की शुरुआत में कृष्ण नहीं आता, नहीं प्रत्यक्ष होता। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया गया, वो तो स्थूल बात, शरीर को सूली पे चढ़ाया गया कि आत्मा को चढ़ाया गया? शरीर को सूली पे चढ़ाया गया। यहाँ आत्मा की बात है, शरीर तो जड़ होता है, यहाँ चैतन्य आत्मा की बात है कि शरीर की बात है? संगम में यहाँ कृष्ण वाली चैतन्य आत्मा जो है संगम की कृष्ण, उसकी बुद्धि मन बुद्धि जो है वो सूली पे टांग दी जाए, वहीं टंगे रहो। क्या सारी दुनिया देखे कि ये नीचे आता ही नहीं? अरे मन बुद्धि मन रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा इन इंद्रियों में होगी, कनेक्टेड होगी, तभी तो इंद्रियों को सुख भोगेगी। अगर कनेक्ट ही नहीं होगी तो इंद्रियों का सुख भोगेगी? भोगेगी? भोग ही नहीं सकती। तो सारी दुनिया इस बात को देखे कि संगम भी कृष्ण जो है वो कहां लटका दिया गया है? कहां लटका दिया गया? सूली पे लटका दिया गया। नहीं समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, देह की बात नहीं है। इस देह में तीन स्थूल हिस्से ऐसे हैं जो मन बुद्धि रूपी आत्मा के सूचक हैं। तीन कहो चार कहो, एक तो ये है मन बुद्धि रूपी आत्मा, है ना? ये तो है ही है। ये हाथ जो है ना ये भी बुद्धि के सूचक है। जैसे बुद्धि से कोई चीज कैच की जाती है, हाथ से ये गिलास कैच किया, ऐसे ही इस बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है। कहते हैं ना, अरे हमारे गुरु तक तुम्हारी पांव नहीं पहुंचेंगे, तुम्हारे हाथ नहीं पहुंचेंगे। माने ये हाथ जो है वो भी बुद्धि के सूचक है। इसीलिए हिंदुओं में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। क्या हाथ जोड़ते हैं? ना दायां हाथ भी और बायां हाथ भी। माने हम पति और पत्नी दोनों मिलकर के आपसे मिलते हैं,
तो ये मिलने की बात है, मन बुद्धि मिलने की बात है, या ये हाथ मिलने से काम हो जाएगा? मन बुद्धि से मिलने की बात। ये तो हिंदुओं की बात हुई, क्योंकि हिंदू प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताएं थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? ये तो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताएं, इसलिए दोनों हाथ जोड़ते हैं। और क्रिश्चियन क्या करते हैं? वो दोनों हाथ नहीं जोड़ेंगे, एक हाथ जोड़ेंगे। क्यों? निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले, निवृत्ति मार्ग, उनके यहाँ जो राजाइयां चली हैं, जो निवृत्ति मार्ग की राजाइयां चली हैं या प्रवृत्ति मार्ग की? निवृत्ति मार्ग की राजाइयां, या तो किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो महारानी एलिजाबेथ, या तो रानी बैठेगी या तो राजा बैठेगा, दोनों इकट्ठे वहां होते ही नहीं, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले। तो ये जो हाथ है वो काय के सूचक है? मन बुद्धि रूपी आत्मा के सूचक है। ऐसे ही ये पांव, पांव से चल के कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही ये बुद्ध रूपी पांव है। अरे कहते, अरे तुम्हारे गुरुजी क्या हैं? तुम्हारी बुद्धि की तो औकात ही क्या है, तुम्हारे गुरुजी के पांव जो है हमारे गुरु तक नहीं पहुंच सकते। माना ये पांव भी चला जाता है, इससे पुरुषार्थ में भी बुद्धि से चला जाता है। क्या? जैसे बुद्धि की चाल होती है, चलते हैं ना, एक पुरुषार्थ में होता है चलना, एक पुरुषार्थ में होता है दौड़ना, और एक पुरुषार्थ में होता है उड़ना, और एक पुरुषार्थ में होता है हाई जंप लगाना। तो ये बुद्धि का काम है ना, ये भी स्थूल पांव से दुनिया में जो दौड़ें होती है ना, तो उन दौड़ों में ये दौड़ देखी जाती है। दौड़ने वाले पहले धीरे धीरे चलते हैं, फिर तेज चाल चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर दौड़ने के बाद अरे तो उड़ उड़ के चलते हैं, फिर लास्ट में जाके जो तीखे होंगे वो लंबी छलांग लगाते हैं और आगे निकल जाते हैं। ऐसे होता है ना, वो है शरीर की दौड़, और ये है मन बुद्धि रूपी आत्मा की दौड़। तो ये भी पांव से होती है, ये भी क्या है, ये पांव भी है, ये हाथ भी है कि नहीं? तो हाथ मिलाया जाता है। हाँ, स्वदेशी जो है वो दोनों हाथ मिलाएंगे, स्त्री का बायां हाथ और पुरुष का, दोनों हाथ से हम आपसे मिलते हैं, दोनों मिलकर के हम आपके साथ रहेंगे, और वहां विदेशियों में एक हाथ से मिलते हैं। विदेशियों में जो भी राजाइयां चली हैं वो दाएं हाथ की चली हैं, पुरुषों की राजाइयां चली हैं या स्त्रियों की राजाइयां चली हैं? पुरुषों की राजाइयां ज्यादा चली हैं। जब सतो प्रधान थे तब किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड था, क्या जब तमो प्रधान बने तो महारानी एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया ये बैठ गई। यहां की ही शूटिंग है, ब्रह्मा बाबा हो और चाहे तीसरी मूर्ति हो, पहले पहले राज्य नारायण के रूप में होता है, राम के रूप में होता है, राजाओं का राज्य होता है सतो प्रधान स्टेज में, फिर जब लास्ट में तमो प्रधान बनते हैं तो महाकालियों का राज्य हो जाता है। इंदिरा गांधी का राज्य कब हुआ? तमो प्रधान स्टेज में इंदिरा गांधी का राज्य हो गया। सीढ़ी के चित्र में भी क्या दिखाया है? द्वापर युग से पूजा होती है स्त्री रूप की या कलयुग में होती है? कलयुग में होती है, लेकिन वो भी सिंगल स्त्री की, उसके साथ पुरुष नहीं दिखाया जाता। पुरुषों को तो महाकाली को दिखाया गया, लात मारती है,
क्यों क्यों लात मारती है? अरे लात मारने का कोई कारण होगा कि नहीं? अरे कोई कारण नहीं, ऐसे ही लात मार देती है, है? क्या कारण है? ऐसे नहीं विकारी होती है, सुपन गाय पूतना नहीं होती है। हाँ हाँ, जो पुरुष हैं वो ए टू जेड सारे के सारे दुर्योधन दुशासन, और स्त्रियां ज्यादातर अच्छी और इक्का दुक्का, कोई सुपन का पूतना नहीं निकल आती। हाँ जी, हाँ जी।